नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर संध्या राजकीय बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज कड़ा कौशाम्बी से हूँ और मैं आपको संगीत वादन तबला विषय की शिक्षा दूंगी। संगीत वादन तबला विषय में सबसे पहले शब्द आता है संगीत वादन। तो पहले संगीत वादन की ही बात करते हैं कि आपके विषय में जो संगीत वादन शब्द आ रहा है, इसमें संगीत का ये अर्थ नहीं है कि केवल गायन। गायन केवल संगीत नहीं होता। संगीत, गायन, वादन और नृत्य तीनों को मिलाकर ही संगीत बना है। पंडित शारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि गायन, वादन, नर्तन त्रियम संगीत मुच्यते, अर्थात गायन, वादन और नृत्य तीनों का समग्र रूप ही संगीत है। यहाँ मैं आपको वादन के बारे में बताऊंगी। गायन और नृत्य को आप छोड़ दें और इस विषय के अंतर्गत संगीत वादन में संगीत वादन तबला की आपको शिक्षा दी जाएगी, जिसे तबले के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले संगीत वादन क्या है, इसको और स्पष्ट करते हैं। तो वादन शब्द का मतलब होता है बजाना, यानी कि किसी वाद्य विशेष को बजाना। तो वाद्य क्या है? वाद्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वादनीय या बजाने योग्य विशेष यंत्र। यह शब्द यंत्र वद धातु से उत्पन्न होता है। वदतीत वादम, जो बोलता है वही वस्तु वाद्य है। यदि हम ध्यानपूर्वक सुने तो वाद्य में हमें स्वर और उसमें बंधे हुए शब्द का स्पष्ट रूप से उच्चारण सुनाई देता है। प्राचीन काल से ही वाद्यों का प्रयोग होता चला आ रहा है। एक वाद्य यंत्र का निर्माण या प्रयोग संगीत की ध्वनि निकलने के प्रयोजन के लिए होता है। सिद्धांत रूप से कोई भी वस्तु जो ध्वनि उत्पन्न करती है वह वाद्य यंत्र कही जा सकती है। वाद्य यंत्र का इतिहास मानव संस्कृति की शुरुआत से, यानी कि प्रारंभ से होता चला आ रहा है। केवल वाद्य यंत्र के उपयोग से की गई संगीत रचना वाद्य संगीत कहलाती है, अर्थात संगीत वादन कहलाती है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वाद्य क्या है। प्राचीन काल में जो वाद्यों की परंपरा रही है वो धीरे धीरे परिष्कृत होती हुई आज हमारे सामने जो भी वाद्य हमें दिखाई देते हैं वो यहाँ तक पहुंच गई है। जैसे सितार, हारमोनियम, गिटार, तबला, बांसुरी, शहनाई आदि, इस तरह के अनेक वाद्य जो पहले कुछ हुआ करते थे और समय के साथ परिवर्तन होकर अब वो इस रूप में हमारे सामने हैं, जिन्हें हम संगीत की विधा में प्रयोग करते हैं। इन्हीं सब वाद्यों को आगे हम आपको और थोड़ा विस्तृत बताएंगे कि कैसे बांटा गया है और हमारा विशेष वाद्य जो तबला वो किस वर्ग में आता है, आगे मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।